हम लोग कबीर आश्रम में एकत्र हुए हैं। दुनिया में संत तो बहुत हुए हैं, गुरु भी बहुत हुए हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर उन संतों और गुरुओं में निराले हैं। हम कबीर साहब को सद्गुरु कहते हैं, अन्य मत वाले लोग संत कहते हैं। संत और गुरु में कोई खास अंतर नहीं है। संत बहुत हुए किंतु किसी को भी संत शिरोमणि नहीं कहा गया। कबीर साहब ही एक ऐसे संत हुए जिन्हें संत शिरोमणि कहा गया। शिरोमणि का मतलब सिरमुकुट, श्रेष्ठ। क्यों, कारण क्या है? कारण यही है कि कबीर साहब ने किसी को खुश करने के लिए अपनी बात नहीं कही। जो बातें कही न्यायपूर्ण बातें कही, सततापूर्ण बातें कही। न उन्होंने हिंदुओं के लिए बातें की, न उन्होंने मुसलमानों के लिए बातें की, उन्होंने इंसान के लिए बात की है। दुनिया में हमारे और आपके जैसे हाथ पैर वाले जितने भी हैं सब इंसान है। आदमी बाद में हिंदू बनता है, मुसलमान बनता है, ब्राह्मण शूद्र तमाम पता नहीं क्या क्या बन जाता है, लेकिन हर आदमी इंसान के रूप में पैदा होता है और इंसान के जैसा ही मरता है। बीच में कर्मकांड आ जाते हैं। तो सद्गुरु कबीर इंसानों से बात करते हैं, मनुष्यों से बात करते हैं, और इंसान से जो भी बात करेगा वो निष्पक्ष होकर के बात करेगा। मुंह देखी बात नहीं करेगा, किसी को खुश करने के लिए बात नहीं कहेगा। वो सद्गुरु कबीर की ही साखी है, साधु साधु सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे की मोर। अपनी अपनी जगह पर दुनिया के सभी संत बड़े हैं, किसी को छोटा कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां दूसरे को छोटा कहोगे झगड़ा शुरू हो जाएगा। सब बड़े हैं, लेकिन साहब कहते हैं ये जो बड़े लोग हैं, जितने संत सब बड़े हैं, वो माथे के मोर कौन होगा? जो शब्दों का विवेकी होगा, शब्दों की परख करेगा, आंख मूंद कर किसी बात को जो नहीं मानेगा, विचार करेगा, विवेक करेगा, वो सिरमौर हो जाता है। और सद्गुरु कबीर की यह विशेषता रही, उन्होंने आंख मूंद कर किसी की बात नहीं मानी। जहां से अच्छा लगा ले लिया, और जहां से गलत लगा छोड़ दिया। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। जो थोथा है उड़ा दो, जो सार है वो ले लो। और सार सब जगह है, कहाँ सार नहीं है? किसने कहा है ये मत देखो, जो बात कही जा रही है वो देखो।
इसलिए सत्य को लेना, हमें सत्य का ग्राहक बनना है। आपको कोई बीमारी होती है, आपको दवाई की आवश्यकता है, तो आप क्या देखते हो? या तो सहज जो डॉक्टर उपलब्ध है गांव में, उस डॉक्टर से आप दवाई करवाते हो, या बीमारी बड़ी गंभीर हो गई है, बड़े डॉक्टर पास जाते हो, तो कब आप ये सोचते हो क्या, मैं तो हिंदू हूँ, हिंदू डॉक्टर से दवा करवाऊँगा, ये मुसलमान दवा से डॉक्टर नहीं करवाऊँगा, मैं ये मुसलमान डॉक्टर से दवा नहीं करवाऊँगा, ऐसा सोचते हो क्या? दवाई जब खरीदते हो दुकान से तो पूछते भैया रुको तो, ये दवा को हिंदू ने बनाया, मुसलमान ने बनाया, ब्राह्मण ने बनाया, चमार मैं ब्राह्मण बन बन के बनाया दवा खाऊँगा, चामड़ा बनाया दवा नहीं खाऊँगा, ऐसा सोचते हो क्या? मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, हिंदुओं की बनाई दवा ही खा सकता हूँ, मुसलमान की फैक्ट्री की दवा नहीं खाऊँगा, ऐसा सोचते हो क्या? तो आप क्या करते हो? जिस दवा से आपका रोग दूर होता है वो दवा खाते हो। किसने बनाया, कौन बेच रहा है, दुकान ब्राह्मण का है कि चमार का है कि हिंदू का है मुसलमान का, इन्हें देखते हो। दवा का काम है आपकी बीमारी को दूर करना, वो दवा चाहे कहीं बनी हुई हो, किसी फैक्ट्री में बनी हुई, बनाने वाला कोई भी हो। इसी प्रकार जो सच है वो कुरान में लिखा हो, बाइबिल में लिखा हो, वेद में लिखा हो, पुराण में लिखा हो, बीजक में लिखा हो, कहीं हो, सच हमारा है, सच को पकड़ो। और जो सच को पकड़ लेगा वो सबको पकड़ लेगा, और जो सच को छोड़ देगा वो सबको छोड़ देगा। ये सच को पकड़ो, और सच को जब पकड़ोगे तो कभी भ्रम में नहीं पड़ोगे, अंधविश्वास में नहीं पड़ोगे, चमत्कार के पीछे नहीं भागोगे, सच में पड़ोगे तो लगेगा कि मेरे अपनी कर्म कमाई से जो मुझे मिलेगा वही मिल सकता है, दूसरा और कुछ नहीं मिल सकता। आज से लगभग 35 साल पहले की बात होगी, थोड़ा और पहले की बात हो सकती है, गुरुदेव जी का कार्यक्रम था इसी आपके छत्तीसगढ़ में। एक काम से मैं बड़ौदा बाजार गया था, तब तहसील था बड़ौदा बाजार, अब तो जिला हो गया है, 35 साल पुरानी बात है। पहली बार गया था, कोई सामान खरीदना था, सड़क होकर के जा रहा था, पीछे से आवाज आई, महाराज जी महाराज जी। मैं रुका और सोचा कि यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ, कौन मुझे पुकारता होगा। आस पास देखा चारों तरफ, कोई परिचित दिखाई नहीं पड़ा, तो फिर आगे बढ़ने लगा, तो फिर आवाज आई, महाराज जी रुकिए। फिर रुका तो देखा थोड़ी दूर पर पटरी किनारे, सड़क की पटरी किनारे एक ज्योतिषी कुछ पोथी, कुछ अपने ज्योतिष की किताबें, कुछ अंगूठियाँ, कुछ ताबीज, कुछ नग फैलाए बैठे थे। उस ज्योतिषी ने कहा, महाराज जी मैं पुकार रहा हूँ आपको, आइए। थोड़ा संकोच हुआ, थोड़ी उम्र थी मेरी उस समय, गया, चादर बिछा दिया, बैठा, पूछा महाराज जी कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, बताया। फिर पूछे कि महाराज जी क्या मानते हैं आप, फिर मैंने कबीर साहब की बातें बताई। जब बातें हो गई तो ज्योतिषी ने कहा, महाराज जी कुछ हमारे कल्याण की बात बताइए, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो मैंने कहा, सबका कल्याण बताने के लिए पोथी रखे हो, अंगूठी बेच रहे हो, ताबीज बेच रहे हो, आप कल्याण में क्या बताऊंगा भाई, सबका कल्याण तो खुद करने वाले हो। तो उन्हें ज्योतिषी ने कहा, देखिए महाराज बात ऐसी है, मैं हूँ घर में, पत्नी है, दो तीन बच्चे हैं,
इतनी ज़मीन नहीं है, इतने इतना खेत नहीं है कि खेत में इतनी पैदावार हो जाए कि हम लोगों का गुजर बसर हो गया। आज तो बढ़िया बढ़िया खेती हो रही, पहले 35-40 साल पहले कहाँ इतनी खेती होती थी, मगर आज खेत खलिहान घर में है नहीं, नौकरी नहीं है। उस ज्योतिषी उम्र उस समय 55-60 साल की रही, कोई नौकरी नहीं है, और नौकरी इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि मुझे नौकरी मिल जाए। अब 55-60 साल की उम्र में कोई बहुत भारी मेहनत का काम, मजदूरी काम भी नहीं कर सकता, घर में इतनी पूंजी नहीं है कि कुछ व्यापार दुकान कर सकूं, तो मैं आज क्या करूं? 2-4 हज़ार रुपया लेकर के ये किताबें खरीद लिया है, अंगूठी खरीद लिया है, ताबीज खरीद लिया है, नग बनवा दिया। मैं आज दिन भर यहाँ बैठे रहता हूँ, 4-6 मूरा खाते हैं, फंसते हैं, मेरा काम चलता रहता है। ये जो ज्योतिषी के बाद बता रहा हूँ, मेरा दिन भर बैठा रहता हूँ, 4-6 मूरा खा जाते हैं, फंस जाते हैं, मेरा काम अपना चल जाता है। हाथ दिखलाकर मूर्ख क्यों बनना चाहते हो? वो ज्योतिषी अपना भाग्य नहीं देख पा रहा है। यदि अंगूठी पहनने से, ताबीज पहनने से आपका कष्ट दूर होता तो ज्योतिषी सबसे पहले पहनता, आपको बताता नहीं चुपचाप, और सबसे पहले वही पहनता। लाभ क्यों नहीं चाहता भाई? अभी हमारे साथी कोई ऐसा यतीन्द्र जी कह रहे थे, बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। तो यदि सचमुच में बेलपत्र पढ़ाने से पास होता ना, तो कोई ब्राह्मण आपको बताता नहीं, सारी नौकरी ब्राह्मण लोग ले गए होते, अब तेलियों साहुओं को या किसी जाति को नौकरी नहीं मिलता। क्यों बताएगा भाई? वो तो अपने अपनी जाति वाले को लेके जाएगा, लेकिन वो लोग उन्हें चढ़ाएंगे। किसी ब्राह्मण के बच्चे को ये कामल का जाति देखे हो क्या? किसी क्षत्रिय के बेटे को कांवर लेकर जाते देखे हो क्या? यदि कांवर लेकर जाने से शिव जी खुश हो जाते तो ब्राह्मण लोग अपना कर लेते, नहीं ये अन्य जाति वालों को नहीं है, हमारे लिए ही है। लेकिन वो नहीं जाएंगे, आपको बेवकूफ बना देंगे, और आप बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठे हो। आप जाते हो अच्छी बात है, मना नहीं करता, लेकिन सोचना, यदि कांवर लेकर जाने से, जल चढ़ाने से सब मिल जाता तो ब्राह्मण क्षत्रिय लोग पहले कर लेते, नहीं हमारा अधिकार है। मंदिर आप बनाते हो, पुजारी कौन रखते हो? किसी ब्राह्मण ने मंदिर बना करके यादव को, कुम्हार को, तेली को, नाव को, धोबी को बनाया क्या पुजारी? मंदिर आप बना, पुजारी वो बनेगा, ठगाने के लिए आप बैठे हो ना। कबीर साहब ये नहीं कहते, अपने कर्म पर विश्वास, जिसको मानते हो उसको मानो। मैं ये नहीं कहता कि आप कबीर साहब को मानो, राम को मानते हो, शिव को मानते हो, हनुमान को मानते हो, गणेश को मानते हो, कौन मानते हो ये आपकी मर्जी है। लेकिन बिना कर्म किए आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है, वो कल्याण होने वाला नहीं है। आपका कल्याण तभी होगा जब आप स्वयं कर्म करोगे, तब। पूजा पाठ करना है करो, वो किस लिए? मानसिक शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए। पूजा करके आज तक कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ है। कहानी जो हम पढ़ते हैं रामायण में, शाम के समय राम को बताया गया था कि कल सुबह तुम्हारा राज तिलक होगा। राज तिलक की तैयारियां चल रही थी, पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा था। रातों रात घटना बदल गई, सब जानते हो कैसे घटना बदली। रातों रात घटना बदली, जिनको राजगद्दी मिलना था उनको 12 साल का वनवास मिला। और वनवास कैसे मिला जानते हैं? वनवास की शर्त थी कि 12 साल तक जंगल में ही रहना है, किसी गांव में नहीं जाना है, और दूसरे के बनाए कुटिया में रहना नहीं है, अपने लिए कुटी खुद बनाना है।
और किसी दूसरे का दिया हुआ खाना भी नहीं है, अपने खाने के लिए खुद व्यवस्था करना है, क्या खाओगे अपना जानो। ये एक शर्त थी वनवास की। इतना हुआ, राम किसी तांत्रिक के पास गए, किसी ज्योतिषी के पास गए, महाराज इतने तो मुझे गद्दी मिली थी, ये राहु आ गया, शनि आ गया, क्या आ गया, मुझे हाथ तो देख लीजिए, किसी का हाथ दिखलाए, कोई पूजा किए, कोई अनुष्ठान किए, चुपचाप चले गए जंगल, तपस्या किया राम ने, तब अब भगवान बना। और आप हाथ दिखा करके, तंत्र बना करके, पूजा करके भगवान बनना चाहते हो, कहाँ से बन पाओगे? राम ने कहीं मंदिर में जाकर पूजा की? राम के जमाने में मंदिर ही नहीं था, याद रखना है। पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ कर देख लेना, राम के जमाने में भारत में एक मंदिर भी नहीं था, भले लोग कह दें। कृष्ण के जमाने में मंदिर ही नहीं था, मंदिर तो 2000 साल के बाद बनना शुरू है, 2500 साल के बाद बनना शुरू हुआ है, उसके पहले मंदिर होते ही नहीं थे भारत में। और जैसे आप पूजा करते हो ना, ऐसी पूजा ही नहीं होती थी। अब ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों को पढ़ने के बाद कह रहा हूँ, ऐसी पूजा नहीं होती जैसी पूजा हम आ करते, ध्यान करते थे, चिंतन करते थे, संध्या करते थे और सब कुछ करते थे। तो राम जंगल गए, तपस्या किया, बहुत कष्ट झेला, तब वो महान बन गए। पूजा करके राम राम नहीं बने हैं, पूजा करके कृष्ण कृष्ण, पूजा करके कृष्ण कृष्ण नहीं बने हैं। कृष्ण का जीवन देखो तो कितना संघर्ष रहा है। थोड़ी सी विपत्ति हमारे जीवन में आती है, थोड़ी सी कठिनाई आती है, हम भटक जाते हैं, घबरा जाते हैं। यहाँ तक जो लोग कहते हैं महाराज हम 6 पीढ़ी के कबीरपंथी, 6 पुत्र से कबीरपंथी हैं, घर में कुछ आ जाता है ना तो बच्चों को फुकाने के लिए बेगा के पास ले जाते हैं, पता नहीं कौन से कबीरपंथी है वो, ये देवी पूछ ले, वो देवी पूछते हैं। कबीर साहब ने पूजा की है क्या? तो मैं कहा कृष्ण ने कही पूजा की, उन्होंने जीवन को जिया, संघर्ष किया, तब कृष्ण कृष्ण बने। जितना बड़ा फल चाहते हो उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, उतनी बड़ी कठिनाई सहने करना पड़ेगी, उतना बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, याद रखना। एक उदाहरण याद आता है, एक मंदिर में कथा हो रही थी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रिवाज कम है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में बहुत जगह चौमासा कथा होती है मंदिरों में। तो ऐसे चौमासा का समय रहा होगा, मंदिर में कथा हो रही थी, काफी से 2-3 लगातार 3 महीने तक कथा होना था। कथा होती है तो ज़्यादातर कथा कृष्ण के जीवन में, राम के जीवन, राम कथा में वो आनंद नहीं आता है लोगों को जितना आनंद कृष्ण के जीवन की कथा में आता है, लालित्य है उसमें। तो कथा हो रही थी, कृष्ण की कथा चल रही थी, बड़ी संख्या में महिलाएं आती थी, पुरुष तो कम आते थे, पुरुष भी आते थे लेकिन महिलाओं संख्या ज़्यादा होती थी। एक दिन कथा चलते चलते बीच में ही कथाकार ने कथा में उपस्थित महिलाओं से पूछा और कहा, इतने महीना भर से ज़्यादा हो गया कथा चलते चलते, आप लोग रोज आती हैं, बड़ी संख्या में आती हैं, लगता है कि आप लोगों के मन में भगवान कृष्ण के लिए बड़ा प्रेम है, बड़ी भक्ति भावना है, बड़ी श्रद्धा है, इसलिए आती हैं। आप लोग ये बताओ, यहाँ जितनी देवियाँ बैठी हुई हैं उनमें से कितनी देवियाँ भगवान कृष्ण जैसा बेटा चाहती हैं? कथाकार ने महिलाओं से कहा, और जो लोग कृष्ण के जैसा बेटा चाहती हैं सभी महिलाएं हाथ उठाएं, सभी महिलाओं ने हाथ उठाए, तो भारत में कौन माँ है जो कृष्ण जैसा बेटा नहीं चाहेगी? सभी ने हाथ उठाया, सभी महिलाओं ने हाथ उठा दिया। कथाकार ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कितना प्रेम है आप लोगों के मन में भगवान कृष्ण के लिए, जो आप सब भगवान कृष्ण जैसे बेटा चाहती हैं। लेकिन अब एक प्रश्न और है, आप लोग
भगवान कृष्ण जैसे बेटा तो चाहती हैं, लेकिन आप बैठे कितनी महिलाएं हैं जो अपने पति के साथ जेल में 12 साल बंद रहना चाहती हैं। हाथ उठाइए, एको ने हाथ उठाया। कहाँ जन्म होता कृष्ण का? कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जेल में हुआ था ना। कृष्ण जैसा बेटा तो चाहती है, लेकिन जेल में बंद नहीं रहना चाहती। कहाँ से कृष्ण जैसा बेटा मिलेगा? तुमको हर षष्ठी व्रत करने से नहीं मिलने वाला है। अभी हर षष्ठी बताने वाला ना भादों में, करती रहो जिंदगी भर, कृष्ण जैसा बेटा मिल जाएगा। कृष्ण जैसा बेटा मिलना मुश्किल है। और इतना ही नहीं, वसुदेव और देवकी सालों बंद रहे जेल में, और कृष्ण को जन्म देने के पहले देवकी को 7 बेटे का बलिदान करना पड़ा था। 7 बेटे को मार डाला था ना कंस ने। इतना त्याग किया देवकी ने, तब कृष्ण पैदा हुआ। और हम चाहते हैं कृष्ण की पूजा कर लेंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। धोखे में मत रहो। पूजा जिसकी राम की करो, कृष्ण की करो, हनुमान करो, जिनको मैंने कहा जिनकी भी करो, आपकी भावना है। लेकिन पूजा करना है आपको केवल मानसिक शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, संस्कार अच्छे बनाने के लिए। अब पूजा के बल पर अब चाहोगे कि हमारा कल्याण हो जाए, किसी से पूछना, बड़े से बड़े ज्योतिषी, बड़े से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़े पंडित, जो लोग कहते हैं बेल पसाओ तो ये हो जाओ हो जाओ, किसी से कहना महाराज मुझे बरसात से बड़ा डर लगता है, कीड़े मकोड़े से बड़ा डर लगता है, मिट्टी में पैर रखने में बड़ा डर लगता है मुझको, खर्चा बहुत है महाराज, कोई उपाय बता दो, मुझे खेत न जाना पड़े, उपाय, और मेरे खेत में 1 एकड़ में 50 बोरा धान पैदा हो जाएगा। किसी पंडित से पूछ लेना कितना बढ़िया होता। यदि पूजा करने से 1 एकड़ खेत में 40 बोरा हो जाता कितना बढ़िया होता भारत का। जब पूजा करने से आपके बिना मेहनत किए खेत में धान नहीं हो सकता, तो बिना मेहनत किए आपको सफलता कैसे मिलेगी। कोई पूछना अपने बेटे से, अभी बताना साथी बता रहे थे, महाराज जी मेरा बेटा स्कूल नहीं जाना चाहता है लेकिन एक डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पूजा बता दो थोड़ा सा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, डॉक्टर बेटे डॉक्टर बनाने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्चा होगा, यदि होगा कहाँ करूँगा, कोई पूजा बता दो महाराज कि पूजा भर करता रहे मेरा बेटा और डॉक्टर बन जाए। कोई उपाय नहीं है, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना खर्चा करना पड़ेगा, उतना पढ़ना पड़ेगा, तब डॉक्टर बनोगे, वकील बनोगे, जज बनोगे और कुछ बन पाओगे। इलक साहब कहते हैं करु बहिया वाला अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया वह सो कस मरे प्यास। साहब सदगुरु कबीर कहते हैं दूसरों का भरोसा छोड़ करके अपने बाहुबल का भरोसा कर। जिसके आंगन में नदी बह रही हो वो व्यक्ति प्यासा मरे, आश्चर्य। नदी दूर होती और वहाँ पानी लेने जाना पड़ता तो मेहनत लगती, आंगन में नदी बह रही है और प्यासा मर रहे हैं। आप में महान बल है लेकिन अपने बल को पहचान नहीं पा रहे हैं। कबीर साहब हमें ये सीख देते हैं, यदि हम कबीर साहब की वाणी पढ़ें। दुर्भाग्य यह है हमने कबीर साहब को केवल पूजा करने की चीज़ बना लिया। पहले अमुक की पूजा करते थे, अब कबीर की पूजा करें, अब कबीर वाणी से हमको पढ़ना भी नहीं है। कबीर वाणी को पढ़ो जरा, सारा भय सारा डर खत्म हो जाएगा, सारा भ्रम अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात है, एक मास्टर जिन्हें आप ब्राह्मण कहते हैं ना उस जाति में पैदा हुआ था, कहीं से उनको हमारे संस्थान इलाहाबाद की छपी एक पुस्तक मिल गई, गुरुदेव जी की लिखी हुई। पढ़ा, पढ़े तो चौंके, फिर पढ़ा
प्रभावित हुए, आश्रम में आए, गुरुदेव जी से दीक्षा भी ले लिए, किताब पढ़ने लगे। फिर वो कहते थे कुछ दिन पश्चात, साहब मैं कितना भ्रम में जी रहा था, कितना डर डर के जीवन जी रहा था, लेकिन जब से कबीर साहब की वाणी पढ़ने लगा मेरा सारा भ्रम खत्म, सारा डर खत्म। वो कहता था कि जो व्यक्ति मन लगा करके कबीर वाणी को पढ़ लेगा, उस पढ़ने मात्र से उसकी आधी मुक्ति हो जाएगी। अब आधी मुक्ति के लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आधी मुक्ति होने का मतलब क्या है? कबीर वाणी को जो भी पढ़ेगा मन लगा करके, भ्रम, अंधविश्वास, चमत्कार, मिथ्या महिमा, ये सब खत्म। अब कबीर वाणी को आप मन लगा करके पढ़ो, ये सारे भूत प्रेत और ये चुड़ैल और जींद और राक्षस कहाँ भाग जाएंगे पता नहीं चलेगा। और नहीं पढ़ते इतने कई पंथी को ही पकड़ रहा है भूत। भूत बाहर नहीं है, भूत हमारा मन है, मन का अंधविश्वास है। इसलिए कबीर वाणी को पढ़ने की आवश्यकता है। खास बात यह है कि हमें जो जीवन मिला है, ये जीवन हमें कैसे जीना है ये सोचना है। कब तक आप भीख मांग मांग करके, ये देवता वो देवता वो देवता वो देवता भीख मांग मांग कर ये करोगे? अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। और जो जीवन मिला है इस जीवन को समग्रता से जीना होगा। जीवन जीने का तरीका क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहा जाता है। क्या सचमुच में सौभाग्य से जीवन तो मिला? मनुष्य जीवन का पाना सचमुच सौभाग्य की बात है, क्योंकि कोई भी जानवर उत्थान नहीं हो सकता उसका। जानवर बिगड़ता भी नहीं है, जानवर ऊपर उड़ता भी नहीं, जानवर तो जैसा है वैसा है। ये कल्याण करने का काम, भजन करने का काम आदमी ही कर सकता है। इसलिए कहा गया बड़े भाग्यवान उत्तमा, केवल क्यों? भजन करने के लिए। सारा काम तो जानवर भी कर लेता है, लेकिन जानवर भजन नहीं कर सकता। हाथी को सिखा दो तो आरती घुमा देगा, लेकिन आरती का अर्थ क्या है पता नहीं है। तो तक रोटा दो राम राम साहेब साहेब रट लेगा, लेकिन अर्थ क्या है पता नहीं है। तो भजन आदमी ही कर सकता, गरीब से गरीब आदमी भी, और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी भजन करके अपने कल्याण का काम कर सकता है। ये कभी मत समझो हम तो गरीब हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो गृहस्थी में हैं, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? जहां है वहां से हो सकता है। भजन करने कल्याण करने के लिए पैसा नहीं लगेगा, पढ़ाई नहीं लगेगी, सुख से जीने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा की आवश्यकता नहीं है। सुख से जीने के लिए, कल्याण करने के लिए अच्छी समझ की आवश्यकता है। जब आप बिना पैसे के, बिना पढ़े लिखे अपने को बंधन में बांध सकते हैं, तब बिना पैसा के, बिना पढ़े लिखे कल्याण का काम क्यों नहीं कर सकते? वो किसे सुना है आपने? लोग प्रारलोक कहते हैं क्या करें महाराज, हम तो घर गृहस्थी के जाल में फंस गए, हमारा कल्याण कैसे हो? किसी ने कहा महाराज हम तो घर गृहस्थी, महाराज हम भला क्रोध कैसे कर सकते हैं महाराज गृहस्थी में रह करके? क्रोध तो साधु महात्मा लोग करेंगे। किसी ने सुना है ऐसा कहते महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं महाराज, हम तो गरीब आदमी हैं, अब बिना पैसा के हम झूठ कैसे बोल सकते हैं, बिना पैसा के हम गाली कैसे दे सकते हैं महाराज, हम तो अनपढ़ आदमी हैं महाराज, हमें गुस्सा करना नहीं आता। बिना पैसा झूठ बोल सकते हो, बिना
बिना पैसा के गुस्सा कर सकते हो, बिना पैसा की चोरी कर सकते हो, बिना पैसा तम्बाकू खा सकते हो, बिना पैसा के जुआ खेल सकते हो, बिना पढ़े लिखे शराब पी सकते हो, तो बिना पढ़े लिखे सच क्यों नहीं बोल सकते? बिना पढ़े लिखे बिना पैसा के दया क्यों नहीं कर सकते? एक बताओ, आपके घर में जो लोग रहते हैं, माता पिता है, सास ससुर है, पति है, पत्नी है, भाई है, भाभी है, देवर है, ननद है, नन है, भाभी है, देवरान है, जेठान है, भतीजा जो भी है, आप अपने घर में सबसे प्यार से मीठी वाणी बोले, खर्चा कितना आएगा? कि बिल आएगा? महाराज एक महीना हो गया मीठी वाणी बोलते बोलते, पता नहीं कितना बिल आएगा। कोई बिल आएगा क्या? प्रेम से बात करें, प्रेम से व्यवहार करें, कोई बिल तो नहीं आना है। दया करें, क्षमा करें, विश्वास रखना सीखें, कोई बिल नहीं आने वाला है। पढ़ा लिखे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम यही भूल गए। जिन कर्मों से, जिस व्यवहार से, जिस रहन सहन से, जिस खान पान से हमें दुख मिलता है, हमारा जीवन बंधता चला जाता है, हम शिकायत नहीं करते कि हम गरीब हैं महाराज, हम अनपढ़ हैं महाराज, हम तो देहात के रहने वाले हैं, हम ये काम कैसे कर सकते हैं? बड़े प्रेम से करते हैं। और जो कल्याण भजन की बात आएगी, तब महाराज हम तो अनपढ़ हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। अच्छा ही बताओ, बिना पैसे के भजन नहीं हो सकता। कबीर साहब का कितना पैसा रहा होगा? किस अमीर के बेटे थे कबीर साहब? रविदास साहब, नानक साहब, संत सेना, अन्य संत किस अमीर के बेटे थे? किस विश्वविद्यालय में पढ़े थे? निरुनिमा गरीब जुलाहे के यहाँ कबीर साहब का पालन पोषण हुआ, बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत हुआ है। पढ़ने के लिए इनकार कर, पढ़ाने के लिए इनकार कर दिया। कबीर सीरियल चला था, आप लोगों को याद होगा, उसमें एक जगह बताया गया है, कबीर साहब की उम्र 5-6 साल की रही होगी, नीरू कबीर साहब को लेकर एक मौलवी के पास जाते हैं। मौलवी ने पूछा नीरू से, क्या काम है, क्यों लाए बच्चे को? तो नीरू कहता है, मौलवी साहब, ये मेरा बेटा है कबीर, पढ़ना चाहता है, आप अपने मदरसे में इसको भर्ती कर लें, अन बच्चों के साथ पढ़ाएं। तो मौलवी क्या कहता है, यदि जुलाहे का बेटा पढ़ेगा तो कपड़ा कौन बुनेगा, यदि बढ़ई का बेटा पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो फर्नीचर का काम कौन करेगा, इसे ले जाओ पढ़ाना लिखाना छोड़ दो, इसको कपड़ा बुनना सीख लाओ। मतलब कपड़ा जुलाहा बुने और पहने हम। ये चाल है लोगों की। आपके गांव में सरकारी स्कूल है, कितने धर्मान के बच्चे पढ़ते हैं आप, कितने आईएएस आईपीएस अफसर, और कितना कि आपके गांव में जो नेता होंगे ना, कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके सरकारी विद्यालय में? कोई नहीं पढ़ने वाला है, कोई पढ़ाई ही नहीं है। अपने बेटे को वहाँ पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट में जा, छुट्टी कभी नहीं होगी, और आपको कहेंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, ताकि आपका बेटा किसान ही बना रह जाए, ऊपर उठने ना पाए। आपका बेटा मजदूरी करता रहे जीवन भर, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन आप लोग न समझना चाहते हो, ना आवाज़ उठाना चाहते हो। वोट मांगने के लिए कोई नेता आए, चुनाव होने वाला छत्तीसगढ़ में 4 महीना पश्चात, वोट मांगने के लिए नेता कोई आया, उसे कहा साहब हम आपको वोट देंगे, किस पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि जैसे हमारा बच्चा
सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वैसा आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, आपने ये वादा करिए हम आपका वोट दे देंगे, मानेगी आपकी बात वो? क्योंकि वो चाहता है आपको, आप हमें वोट लेते रहें और हम आप पर शासन करते रहें, क्योंकि आपको कहेगा ये पूजा करने का तो तुम्हारा बेटा ये हो जाएगा, वो पूजा तो वो तुम्हारे बेटा ये हो जाएगा। जागना पड़ेगा आपको। और कबीर वाणी हमको जगाने का काम करती है। कबीर वाणी को जो पढ़ लेगा एक बार जाग जाएगा, वो गारंटी के साथ कहता हूँ, लेकिन ठीक से पढ़े तब। तो सदगुरु कबीर हमें जीवन जीने की सीख देते हैं। बात में ये कह रहा था, जीवन जीना है, कैसे जीना है, इतनी सारी बातें तो हो गई। जीवन को इस ढंग से जिए कि हमारे द्वारा कभी किसी को तकलीफ ना मिले, क्योंकि हम तकलीफ नहीं चाहते, हम दुर्व्यवहार नहीं चाहते। धर्म क्या है? बड़े बड़े धर्म की बात होती है, पूजा करना धर्म नहीं है, पूजा करना धर्म बिल्कुल ही नहीं है। करते पूजा करे हो आप मन की शांति के लिए, तीर्थयात्रा करना धर्म नहीं है, और सब जितने भी करते हो ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो और दूसरी चीज होती है, लेकिन एक धर्म समझ में आ जाता है, कोई नाम जपना, ये नाम जपना, वो जाप नाम जपना, धर्म नहीं है बिल्कुल। नाम जपना, मान लो हम कैरपंथी हैं, सतनाम सतनाम जपते हैं, कबीर नाम जपते हैं, तो हमारे मन में एकाग्रता आएगी, साहब की याद आएगी, भावना छी रही रहेगी। कोई राम का पुजारी है, राम राम जपता है, तो दुनिया मन में बेकार बातें नहीं आएगी, मन एकाग्र रहेगा। नाम जपने का अर्थ इतना ही होता है, किसी भी नाम को बार बार जपोगे तो मन वहीं रुका रहेगा, ईर्ष्या नहीं आएगी, द्वेष नहीं आएगा, घृणा नहीं आएगी, ये जो नकारात्मक बातें निगेटिव थिंकिंग्स हैं ये दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए नाम जपने का अर्थ होता है। लेकिन नाम जपना धर्म नहीं है, चाहे कोई भी नाम लो। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, राम का नाम जपो, राम का नाम जपो, राम का नाम जपो, राम का नाम का जपने से कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब धर्म की बात आती है तब राम नाम भूल जाते हैं गोस्वामी जी। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद शास्त्र में वर्णन करके कहा गया है कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। अब सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? सांच बराबर तप नहीं, जुए बराबर पाप, जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। तो जो सत्य ही तप है, भूखे रहना तप नहीं है, नंगा रहना तप नहीं, तपस्या नहीं है, सच के मार्ग में चलना ये तपस्या है। और गोस्वामी जी कहते हैं यही धर्म है। फिर गोस्वामी जी का यहाँ तो गोस्वामी जी क्या कहें? धर्म दूसर सत्य समाना। फिर दूसरे परिभाषा क्या देते हैं गोस्वामी जी? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नगरीसा। श्रुतियों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा का मतलब क्या होता है? तन से, मन से, वचन से किसी को नुकसान न पहुंचाना, चोट न पहुंचाना, दुख न देना। अहिंसा मतलब चोट न पहुंचाना, यह अहिंसा। और गोस्वामी जी कहते हैं ये सब चाहे तन से, मन से, वचन से किसी के लिए ईर्ष्या कर रहे हो मन में, किसी के लिए घृणा कर रहे हो मन में, तो अधर्म का काम किए। आपका कोई दुश्मन है, कोई आपका विरोधी भी है, और विरोधी के घर में कोई संकट आ गया, किसी की मौत हो गई, व्यापार आपके विरोधी को, आपके शत्रु को व्यापार में घाटा हो गया, उसका या उसके उसके बेटे की नौकरी छूट गई, और सुन करके आप खुश हो गए कि मेरे विरोधी को इस साल व्यापार में घाटा हो गया, उसकी नौकरी चली गई, उसके घर में मौत हो गया, सुनकर आप खुश हो गए, तो आपने हिंसा किया, आपने पाप किया, अधर्म का काम किया। क्योंकि किसी के दुख को, चाहे जैसा दुख, किसी के दुख को
सुन करके खुश होने वाला राक्षस हो सकता है, आदमी नहीं हो सकता। सुने ना राक्षसों के बारे में, जब किसी को तकलीफ मिलती थी राक्षस खूब हंसते थे, वो आपको दुश्मन भी है, उसकी तकलीफ सुन करके मन में खुशी होती है, अच्छा हो गया, तो इंसान नहीं रह गए उस उतने समय के लिए। और आपके दुश्मन को फायदा हो गया, दुश्मन के यहां बेटा पैदा हुआ, दुश्मन के बेटे को अच्छी नौकरी लग गई, सुन करके आप खुश हो गए, तो आपने पाप कर लिया। किसी की सुख को सुन करके दुखी होना इंसान का काम नहीं है, ये शैतान का काम है। फिर कहा हमने पूजा को समझा, कहाँ पुजारी हुए हम, कहाँ हम धर्म को समझ पाए। तो वो स्वामी जी क्या कहते हैं, परम धर्म तृतीय विदित अहिंसा, अहिंसा धर्म है। और आगे चलो तो क्या कहते हैं, परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरे की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। यहाँ ना राम का नाम, ना ओम का नाम, ना महादेव का नाम, ना एक ना कोई नाम आया यहाँ पर। नाम जपो, नाम जपने से मैंने कहा कि मन में एकाग्रता आएगी, सात्विक भावना आएगी, लेकिन नाम जपना धर्म नहीं है। धर्म जीवन का आचरण है। धृति क्षमा दमोस्ते हम शौच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दस्कम धर्म लक्षणम, ये मनुस्मृति में कहा गया है। ये इंसान मात्र, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। धैर्य, धृति, धैर्य, क्षमा, क्षमा बदला लेने की भावना नहीं, दम इंद्रियों पर संयम, अस्ते चोरी न करना, सम मन पर संयम करना, धृति क्षमा दमो संयम शौच में, शौच भीतर बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, सत्यम क्रोध हो दत्कम, धृति क्षमा दमो संयम शौच में निग्रह निग्रह, सत्यम क्रोध हो सत्य और क्रोध कर क्रोध न करना, ये कहा गया। ये धर्म के 10 लक्षण है। अब ये लक्षण मानव मात्र के लिए, तो जो मानव मात्र के लिए होता है वही धर्म होता है। तो धर्म हम इतना ना कर सकें तो क्या करना क्या है, ऐसा कोई व्यवहार ना करना जो व्यवहार दूसरों के लिए दुखदायी हो। हमारे पूर्वजों ने कहा है, श्रुताम धर्म सर्वोत्तम श्रुत्वा च धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशामना समाश्चर्ये। धर्मों के सार को सुनो। एक ऋषि कहते हैं, सुनो तो जरूर लेकिन सुनकर रुकना नहीं है। श्रुत्वा श्रुत्वा से अवधार्यताम, सुनने के बाद धारण करो, सुनने के बाद उसका आचरण करो, पालन करो। वो क्या है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाश्चर्य। जो हम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के लिए ना करें। अपने लिए अपमान नहीं चाहते, अपने लिए धोखा नहीं चाहते, अपने लिए बेइज्जती नहीं चाहते, अपने लिए कटुवानी नहीं चाहते, अपने लिए चोरी नहीं चाहते, अपने लिए तिरस्कार नहीं चाहते, जो जो अपने लिए नहीं चाहते दूसरों के साथ वह काम करना बंद कर दो, बस इतना धर्म हो जाएगा। और कोई भी आदमी बड़े प्रेम से कर सकता है। इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा व्यवहार दूसरों से हम अपने लिए चाहते हैं। अपने लिए क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, मीठी वाणी चाहते हैं, सद्व्यवहार चाहते हैं, दया चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, सरलता चाहते हैं, बस दूसरों साथ ये करो घर में बाहर, ये धर्म हो जाएगा। और ये धर्म जिस दिन आ जाएगा भारत में ना, उस दिन भारत सचमुच में धर्मगुरु बनेगा। जब आप से धर्मगुरु नहीं बनने वाला है, अहंकार हम लोगों के हमारा भारत धर्मगुरु है, धर्म तो यही नहीं है। कहाँ भारत में धर्म रह गया है। अभी मेरे साथी कह रहे थे, अब कुछ दिन 2 महीने पश्चात कुमार आएगा,
नवरात्र का महीना, जगह जगह दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चैत में नवरात्र आता है, उसमें स्थापित नहीं, लेकिन नवरात्र में लोग दुर्गा की पूजा करते हैं। एक दुर्गा जो हमने और आपने बनाया, उसकी बड़ी बड़ी पूजा और साक्षात दुर्गा का नंगी करके घुमाया जा रहा है भारत में। सुना ना समाचार में, मणिपुर में क्या हो रहा है, हमारे देश का प्रदेश है, दो स्त्रियों को जबरदस्ती निर्वस्त्र करके पूरे शहर भर में घुमाया गया। कहा हमने भारत दुर्गा समझा, मिट्टी की दुर्गा की पूजा करेंगे और जीवित दुर्गा को दहेज के नाम पर या किसी और नाम पर मारेंगे, पीटेंगे, जलाएंगे। कहा हमने धर्म को समझा, कहा हमने दुर्गा को समझा, कहा हमने भगवान को समझा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है, और कहा और भारत में मासूम लड़कों के साथ बलात्कार हो रहा है, 2 साल 6 महीना, 2.5 साल 3 साल बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, और अब सब दुर्गा पुजारी हैं। कहाँ हमने समझाए भाई, कबीर साहब हमारी आंखें खोलते हैं। सही ढंग से जीना चाहते हो तो कबीर वाणी पढ़ो, लेकिन केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ जीवन में उतारना होगा। मैं बात धर्म की कह रहा था, अपनी बात समाप्त करता हूँ मैं। धर्म क्या है, सदगुरु कबीर की वाणी है, सदा धर्म जाके हृदय बसी राम कसौटी कसहरी। जिसके हृदय में धर्म का निवास होता है वह राम कसौटी अपने को कसता है। राम कसौटी क्या है, यही बात जो अपने लिए हम नहीं चाहते, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करना। इल्ले साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सब पंडित हो। घर में बाहर प्रेम का व्यवहार करो, और प्रेम में धोखा नहीं होता, छल कपट नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, अहंकार नहीं होता है, हिंसा नहीं होती है, प्रेम में सेवा होती है। कबीर सदगुरु कबीर की दृष्टि में मनुष्य मात्र भगवान है। कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहन तो क्या काम। सब यहाँ देवियाँ बैठी है, यहाँ देवता बैठे हैं, इनके साथ सुंदर व्यवहार करना, ये देवी और देवता की सच्ची उपासना है। शुरुआत अपने घर से करिए, जहाँ वहाँ से करिए। हम नहीं कर सकते सेवा तो जानबूझ करके किसी को तकलीफ न दें, इतना तो कर सकते हैं ना, इतना जो कर लोगे ना आगे की बात समझ में आ जाएगी। बातें बहुत कुछ हो चुकी हैं, अब जो हम समझते हैं, जो सुने हैं, कितना जीवन उतार पाते हैं, जितना उतारेंगे हमारा विकास होगा, दुख दूर होगा, उसी जीवन हम कल्याण का काम कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबके लिए शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। अपनी वाणी को विराम। अभी पूज्य और गुरुदेव जी के विचार सुन रहे थे। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग जो इस प्रकार का अवसर मिला। यदि और संतों के विचार गुरुदेव जी के विचार सुनना चाहे तो आपके नज़दीक आश्रम में कबीर आश्रम सकरी में माह के प्रत्येक पहली तारीख को सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होता है। कल सकरी आश्रम में कार्यक्रम होगा, आप सभी का स्वागत है। पूज्य गुरुदेव जी के विचार एवं संतों के विचार आप वहाँ करके लाभ ले सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।